नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 19 सितंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जिला प्रशासन के प्रयास हुए तेज। जल जीवन हरियाली मिशन को लेकर राज्य सरकार काफी गंभीर है। इस मिशन के तहत जिला प्रशासन अब जल्द ही इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में जुट गया है। इस मिशन के अंतर्गत पहले चरण में जिला की 45 योजनाओं का चयन किया गया है। अक्टूबर के अंत तक उक्त योजना में शामिल जल स्रोतों का जीर्णोद्धार होने की उम्मीद है। गंगा नदी में बाढ़ के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीम हुई सतर्क। भारी बारिश के कारण गंगा नदी में बढ़ते जल स्तर से बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिसको ध्यान में रखकर 9वीं बटालियन एनडीआरएफ बिहटा की 8 टीमों को सुरक्षा हेतु वहां तैनात किया गया है। एनडीआरएफ के कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मांग पर एनडीआरएफ बल मुख्यालय के निर्देश पर 8 टीमों को बिहार के विभिन्न जिलों में गंगा नदी बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैनात किया गया है। सरकारी कर्मियों को 25 सितंबर तक मिल जाएगा वेतन। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सभी सरकारी कर्मियों को सितंबर माह तक का पूरा वेतन 25 सितंबर तक मिल जाएगा। आगामी दुर्गा पूजा के मद्देनजर बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह निर्णय बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के अंतर्गत लिया गया है। मोदी सरकार अब देगी बिहार को पुरस्कार। बिहार में जल्द ही केंद्र सरकार बिहार कर्मण पुरस्कार देगी। बिहार को 2017-18 के लिए मोटे अनाज की श्रेणी में गेहूं में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार के लिए चयनित किया है। कृषि कर्मण पुरस्कार के रूप में एक ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 2 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने राज्य के किसानों, पदाधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। भागलपुर रेलवे स्टेशन का बदल जाएगा स्वरूप। भागलपुर स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर काफी प्रोजेक्ट्स पर जोर शोर से काम चल रहा है। नवंबर तक सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। स्टेशन परिसर में बन रहे रैंप फुटओवर ब्रिज पर गर्डर रख दिया गया है। शेड के लिए लोहे का एंगल लगाने का काम भी पूरा हो गया है। अब जल्द ही यात्री भागलपुर स्टेशन पर कई सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे। अब आप अपने घर में ही खोल सकते हैं डाकघर। उत्तरी बिहार के पोस्टमास्टर जनरल अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डाक विभाग आपके लिए एक आकर्षक एवं निश्चित आमदनी वाला स्थायी स्कीम लेकर आया है। अगर आपके इलाके में 5 किलोमीटर दूर पोस्ट ऑफिस है तो आप अपने घर में मात्र 5,000 रुपए देकर डाकघर खोल सकते हैं। 18 साल के पढ़े लिखे युवा इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है। ध्यान रहे, काउंटर सर्विस से जुड़ी फ्रेंचाइजी केवल उन्हीं जगहों पर दी जाएगी जहां पर डाकघर नहीं है। 7 जिलों की सड़कों पर खर्च किए जाएंगे 154.54 करोड़। वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, नवादा, छपरा, भागलपुर और भभुआ की सड़कों पर रखरखाव और चौड़ीकरण पर सरकार जल्द ही 154.54 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि दी गई राशि से सड़कों के करीब 126.65 किलोमीटर लंबाई में मरम्मत और चौड़ीकरण का काम होगा। राजगीर में रोपवे का काम हुआ पूरा, जल्द शुरू होंगी सेवाएं। राजगीर में बन रहे रोपवे का काम पूरा हो गया है, जिसके पश्चात अब 20 अक्टूबर से आम जन जीवन इस नए रोपवे का मजा उठा सकते हैं। वहीं अधिकारी और इंजीनियर दोनों की मौजूदगी में शुरुआती 10 दिनों के लिए रोपवे ट्रायल मोड पर रहेगा। 4 सीटर इस रेलवे का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 नवम्बर 2015 को ही किया था। इसके निर्माण में 19 करोड़ 83 लाख रुपए से अधिक की लागत का इस्तेमाल किया गया है। औरंगाबाद के पर्यटक स्थल जो हैं घूमने योग्य। अगर आप कभी बिहार के औरंगाबाद जिले में सफर करते हैं तो इन पर्यटन स्थलों पर जरूर जाएं। बीवी का मकबरा औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपनी मां बेगम रबिया दुरानी को श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्मारक के निर्माण का काम शुरू किया था। यह मकबरा आगरा के ताजमहल की नकल है। दूसरा है दी एलोरा एंड अजंता केव। यह गुफाएं आपको सम्राटों की भव्य जीवन शैली की याद दिलाएगी। तीसरा है द दौलताबाद फोर्ट। यह यादव वंश की राजधानी थी। बिहार में नहीं चलेंगी झारखंड की रजिस्टर्ड गाड़ियां। अब झारखंड में रजिस्टर्ड गाड़ियों को बिहार में नहीं चलने दिया जाएगा। इसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है। झारखंड में रजिस्टर्ड गाड़ियों को बिहार में रजिस्टर करवाना होगा। बिहार में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार ने समय सीमा तय कर रखी है। अगर वाहन मालिक ने उस समय के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उनकी गाड़ी बिहार में नहीं चलने दी जाएगी और भारी चालान भी वसूले जाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए जांच अभियान को और तेज करने जा रही है। पितृपक्ष मेला में पिंडदानियों की उमड़ी भीड़। पितृपक्ष मेला के 5वें दिन विष्णुपद मंदिर में पिंडदानियों की भारी भरकम भीड़ देखने को मिली। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि विष्णुपद मंदिर में पिंडदानियों की लंबी कतार लग गई। मंदिर परिसर में 16 वेदियों में 4 पर तीर्थयात्रियों ने कर्मकांड किया। वहीं दिन भर विष्णुपद मंदिर में चारों ओर पिंडदान होता रहा। श्रद्धालुओं ने विष्णु चरण का दर्शन पूजन कर पितरों के मोक्ष की कामना की। सेब को देख भड़के रामविलास पासवान।
केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के रशियन सलाद खाने की डिमांड पर सलाद में प्रयोग किए जाने वाले फल और अन्य सामान बाजार से मंगवाए गए। रशियन सलाद बनाने के लिए स्टाफ फल धो रहा था, तभी वैक्स लगे होने का पता चला, जो उसे चमकीला बनाने के लिए लगाया गया था, जिसके बाद मंत्री जी ने अपने अधिकारियों को फोन कर इस मामले की जानकारी दी, जिसके पश्चात खान मार्केट के सभी फल विक्रेताओं के फल की जांच की गई, जहां अधिकतर फलों पर केमिकल लगा मिला। फिट इंडिया मूवमेंट में पत्नी संग जुड़े बिहार के गुरमीत चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट में टीवी हस्तियां भी जोर शोर से शामिल हो रही हैं। रामायण सीरियल से भगवान राम और माता सीता से चर्चा में आए गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी देबीना बैनर्जी पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया मूवमेंट का हिस्सा बने। लोगों को फिट रहने की अपील कर इन दोनों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड भी की है। गुरमीत ने बताया कि खुद को फिट रखना उनकी और उनकी पत्नी के दैनिक जीवन का हिस्सा है। बिहार के सुपरस्टार मनोज बाजपेयी ने अपनी बेटी के बारे में किया ये खुलासा। बिहार के मनोज बाजपेयी फिल्मी जगत के उन सितारों में गिने जाते हैं जिनकी हिंदी भाषा पर पकड़ काफी मजबूत है। भोजपुरी मातृभाषा होने के बाद भी मनोज की हिंदी अच्छे अच्छे हिंदी भाषियों से काफी अच्छी है। बीबीसी को दिए एक साक्षात्कार में मनोज बाजपेयी ने बताया कि हिंदी भाषा पर पकड़ होने के बावजूद उन्हें अपनी 9 साल की बेटी को हिंदी सिखाने में बहुत दिक्कत आ रही है। वो कहते हैं कि उनकी बेटी को हिंदी नहीं आती। उसके स्कूल में अध्यापक, छात्र, उसके मित्र और घर के पास के मित्र और उनके माँ बाप सभी अंग्रेजी में बात करते हैं। सिर्फ मैं ही उनसे हिंदी में बात करता हूँ, जिसे वो पिछड़ा हुआ समझती है। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने ऑटो सेक्टर में मंदी पर दी अपनी प्रतिक्रिया। हिंदुस्तान द्वारा आयोजित कार्यक्रम झारखंड पूर्वोदय 2019 में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ऑटो सेक्टर में मंदी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने कहा कि गाड़ियों की रिटेल सेल में सिर्फ 4% की गिरावट हुई है, सिर्फ थोक बिक्री के आंकड़ों पर ही हो हल्ला हो रहा है। साथ ही साथ मोदी ने यह भी कहा कि मंदी की मार पूरा देश नहीं बल्कि कुछ सेक्टर ही झेल रहे हैं। बिहार के 15 आईएएस बने विधानसभा चुनाव के प्रेक्षक। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के 15 आईएएस अधिकारियों को चुनाव के लिए प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। झारखंड समेत कई राज्यों में होने वाले आम चुनाव हेतु चुनाव आयोग ने सभी आईएएस अधिकारियों को साल 2019 के द्वितीय छमाही में प्रेक्षक नियुक्त किया है। इसकी जानकारी बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अधिकारियों को दी है। सभी चयनित अधिकारियों को 23 सितंबर को दिल्ली भी बुलाया गया है। तेजस्वी यादव ने फिर खेला मुसलमान कार्ड। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अल्पसंख्यक और मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ होने का दावा किया है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तेजस्वी मुसलमान और अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट करने की मुहिम में राजद द्वारा आयोजित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल हुए थे। तेजस्वी यादव ने बैठक के दौरान यह कहा कि मुसलमान कल भी राजद के साथ थे और आज भी राजद के ही साथ हैं। इस बैठक की कमान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम शाहीन संभाल रहे थे। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मैथिली भाषा में होगी गाड़ियों की अनाउंसमेंट। मैथिली भाषा अपनी मिठास के लिए जानी जाती है। इस भाषा में न केवल गीत गाए जाते हैं बल्कि सिनेमा भी बनाए जाते हैं। मैथिली भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब रेलवे मैथिली भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने जा रहा है। मिथिला की अघोषित राजधानी कही जाने वाली दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर अब इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए विशेष शुरुआत की गई है। रेलवे की यह कोशिश लोगों को खूब पसंद आ रही है। काफी दिनों बाद साथ देखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर। काफी समय के बाद झारखंड में एक ही मंच साझा करते दिखे नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर, जिसके बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं। अटकलें लगाए जा रहे हैं कि शायद प्रशांत किशोर झारखंड में होने वाले चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार की पार्टी में राजनीतिक सलाहकार के रूप में झारखंड नीति बनाते नजर आएंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण का बयान कहीं न कहीं विपक्ष की अटकलों को सही साबित करता है। रेलवे कर्मचारियों को मिला मोदी सरकार का तोहफा। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। केंद्र सरकार जल्द ही रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मोदी कैबिनेट ने कर्मचारियों को इस साल 78 दिन का बोनस देने का फैसला किया है, जिसका फायदा रेलवे विभाग के 11 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, जिसका खर्च 2024 करोड़ रुपए तक आएगा। अब लालू यादव पर बनेगी फिल्म। बायोपिक बनाने की पहल में मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी के बाद अब लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आ रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर जल्द ही एक बायोपिक फिल्म बनने जा रही है। बहुत जल्द पर्दे पर लालू प्रसाद यादव की जीवनी देखने को मिलेगी। यह फिल्म पूरे तरीके से राजनीति पर आधारित होगी। 90 के दशक में बिहार में लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक सफर को दर्शाएगी। एनडीए में फिर एक बार कौन होगा मुख्यमंत्री पद का दावेदार। जदयू भाजपा गठबंधन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर कश्मकश शुरू हो गई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार के संदर्भ में जो भी फैसला होगा वह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ही करेगा।
क्योंकि अंतिम फैसला तो पार्टी आलाकमान और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है और पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ उस निर्णय का पालन करते हैं। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी सही तरीके से जेडीयू भाजपा की सरकार चल रही है, मेरा काम पार्टी को मजबूत करना है। भारत इतिहास के पहले T20 खेलने वाले खिलाड़ी ने लिया संन्यास। भारत क्रिकेट टीम के दिनेश मोंगिया ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। दिनेश ने लगभग 18 साल के क्रिकेट करियर को अलविदा कहने का फैसला लिया। दिनेश साल 2003 में विश्व कप के दौरान टीम इंडिया का हिस्सा रहे। साल 2001 में दिनेश ने पहला मुकाबला 12 मई 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। भारतीय टीम की तरफ से इस बल्लेबाज ने कुल 57 वनडे मैच खेले, जिसमें दिनेश ने महज 1230 रन बनाए। राज्य स्तरीय अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। 5 दिवसीय होने वाली अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो चुका है। 18 से 22 सितंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन उद्योग सह जिले के प्रभारी मंत्री श्याम रजक ने किया। 5 दिवसीय होने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 39 टीमें भाग ले रही हैं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग और जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर में पंडित नेहरू स्टेडियम सिकंदरपुर और शहीद खुदीराम बोस मैदान में आयोजन की तैयारी पूरी हो गई है। गोरखपुर नरकटियागंज रेल लाइन पर ट्रेन परिचालन रुका। भारी बारिश का असर ट्रेन परिचालन पर देखने को मिला। भारी बारिश के कारण गोरखपुर नरकटियागंज रेलवे लाइन पर ट्रेन परिचालन रोक दिया गया था। मसान नदी के पास इलेक्ट्रिक पोस्ट गिर जाने से ट्रेनों के परिचालन पर ब्रेक लगा दिया गया था। पिछले दिनों हुई बारिश से यातायात सेवाएं सभी क्षेत्रों की ठप हो गई हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।